पर बिग बॉस की बात करें, फिलहाल बिग बॉस के एक हफ्ता ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और कहीं ना कहीं लोग अपने ओपिनियन देना शुरू कर दिए कि कौन कैसा खेल रहा है, कौन अच्छा खेल रहा है, कौन बुरा खेल रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों को अपने फेवरेट्स जो है वो भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इन सब के बीच कुछ वक्त पहले मुनव्वर फारूकी लाइव आए थे और उन्होंने लाइव आकर एमसी स्टैन के बारे में ढेर सारी बातें की है। आखिर एमसी स्टैन से लोग डर रहे हैं, घर के अंदर लोग उससे डर रहे हैं, लोग रिसर्च करके आए हुए हैं एमसी स्टैन पर और फिर सोच समझ कर जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहे हैं, और ये पूरी स्ट्रैटेजी घर वालों की है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं मुनव्वर। पूरी कहानी क्या है, क्या कुछ कह रहे हैं, लेट मी टेल यू गाइस इन दिस वीडियो। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। बता दें आपको कि मुनव्वर जो है लाइव आकर वो तारीफ करते हुए नजर आए स्टैन की और कहा कि स्टैन जो है सबसे ज्यादा रियल पर्सन है, जो जूस होता है, रियल जूस होता है, उससे भी ज्यादा रियल अगर कोई है तो वो है, वो स्टैन है। उसकी काफी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है और वो काफी कमाल इंसान है और बस्ती का हस्ती काफी कमाल है। बाहर भी उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी है, घर के अंदर भी, एंड वो ऐसे ड्रामा वामा नहीं कर सकता, खाली फुकट फेक दिखने के लिए एक्टिंग वगैरह नहीं कर सकता, वो काफ़ी रियल है और उसे जो सही लगता है, जैसे लगता है, वो बिल्कुल वैसा ही करता है, बिना किसी वजह के वो कहीं पे भी बीच में इंटरफियर करता ही नहीं है। कहने के बाद ये भी वो कहते हैं कि जब एमसी स्टैन का प्रोमो सामने आया, ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि उसे नहीं जानते या पता नहीं क्या है, ये सब उसके ऊपर रिसर्च करके आए हैं, सारे कुछ पेल के आए हैं और जानबूझकर एमसी स्टैन को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इसकी फैन फॉलोइंग कितनी तगड़ी है, कितना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, तो अगर हम लोग उससे बात करेंगे या कुछ होगा तो उसको ऑलरेडी अटेंशन मिल रहा है, उसको और अटेंशन मिलेगा और उसकी फैंस और बढ़ेंगे, तो इसीलिए जानबूझकर उसको स्क्रीन टाइम दिखे ही ना, वो स्क्रीन में दिखे ही ना और लोगों के सामने वो दिखे ही ना, इसीलिए जानबूझकर ये सभी लोग मिलके जो है उसे इग्नोर कर रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, जो लोग कह रहे हैं उसे नहीं जानते, सब झूठ बोल रहे हैं, सबको पता है, सब रिसर्च करके आए हुए हैं, सब शाणे हैं और उल्लू बना रहे हैं और जानबूझ के प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं इग्नोर करने की टू एमसी स्टैंड। तो कहीं ना कहीं मुनव्वर ने घर वालों के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि सभी लोग जानबूझ कर उसे इग्नोर कर रहे हैं ताकि ऑडियंसेस की नज़रों में वो ना आए, दिखे ना वो किसी से इंटरेक्ट करते हुए, ताकि उसकी स्क्रीन प्रेजेंस ही ना आए। और ये तरीका कुछ घर वालों का या फिर पूरे घर वालों का है, ऐसा मुनव्वर का कहना है कि उसे जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है वो काफ़ी तगड़ा कंटेस्टेंट है, आगे तक जा सकता है। वह मुनव्वर की ये बातों पर आपको कितना यकीन है, कितना नहीं है, कितना आपको लग रहा है कि मुनव्वर बिल्कुल सही बोल रहा है, या फिर आपको लग रहा है नहीं यार मुनव्वर कुछ भी बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुनव्वर के इन स्टेटमेंट्स पर आपकी राय कमेंट्स में लिखना मत भूलिए और यस, एमसी स्टैन आपको पसंद है या नहीं लिखिए, लिखना भी मत भूलिए। ऐसे ही